प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक बार आज के दिन के लिए खुदावन की जितनी तारीफ कर सकते हो कर। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव को धोया और यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए आया है। और अगर आपको यह बात मालूम हो कि अगर आपको अपनी लाइफ में जीतना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीतने के लिए बुलाया है। कुछ लोग पैसे में संपूर्ण हो जाते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन फैमिली फेलियर है उनकी लाइफ में, उनके बच्चों की लाइफ में, उनके फैमिली के लाइफ में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, सेहत में, अन्य चीजों में वो फेलियर में हैं, वो असफलता में हैं, क्योंकि उन्हें ये बात मालूम नहीं कि परमेश्वर ने अगर इंसान को बनाया है तो उसने सफल होने का एक ही तरीका बनाया है। जीसस क्राइस्ट इसीलिए अपने चेलों को ये बार बार मैसेज दे रहे थे कि तुम सेवा करवाने के लिए नहीं, करने के लिए आए हो, क्योंकि परमेश्वर उनको ये बता रहे थे कि जो सफलता परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे लिए चुनी और रखी है वो सिर्फ तुम परमेश्वर के तरीकों से ही ले सकते हो। आपको साउंड समझ आ रहा है सबको? तो जब आप आज का वचन सुनेंगे आपको ये मालूम होगा कि जीसस क्राइस्ट ने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। उसने हमें एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है जिसे फॉलो करके हम अपनी लाइफ के हर एक पहलू में, कि ऐसा नहीं हम एक जगह पे सफल होंगे और दो जगह के ऊपर असफल होंगे और ये कहते फिरेंगे कि जिंदगी जो है वो एक संघर्ष है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप में से एक भी जन ऐसा नहीं होगा जो ये अपनी पत्नी को बोले कि आओ दो बच्चे पैदा करते हैं कि वो जब बड़े हो जाए तो खूब संघर्ष करें, खूब हॉस्पिटलों में घूमें, बीमार रहें, खूब सा संघर्ष करें, खूब सी बीमारियों को फेस करें। अगर हम ऐसा नहीं कहते और हम अपने बच्चों को, बाइबल कहती बुरे होकर भी अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो परमेश्वर भी अपने बच्चों को संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं करता। लेकिन बाइबल कहती हमने परमेश्वर के रास्तों को छोड़ा है, हमने परमेश्वर के रास्तों से हम अलग हुए हैं, जिसके कारण हमारी लाइफ में संघर्ष है, हमारी लाइफ में फेलियर है। भजन संहिता 110 उसकी 1 और 2 आयत को आज हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है मेरे प्रभु की यहोवा की वाणी ये है कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। द लॉर्ड सेड अनटू माय लॉर्ड सिट दाउ एट माय राइट हैंड अंटिल आई मेक दाइन एनिमीज दाई फुटस्टूल। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा संयोन से बढ़ाएगा और तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। सब बोलो आमीन। ये वचन जैसा आप समझ रहे हैं उससे कहीं अधिक, लाखों गुना गहरा है। इसमें लिखा परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, यह जीसस क्राइस्ट के लिए वचन बोला गया है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। उसने कहा मेरे दाहिने हाथ बैठ, सिट दाओ एट माय राइट हैंड। सिट का मतलब है, बैठने का मतलब है यशब। यशब 3427वां शब्द है इब्रानी का जिसे बैठने के लिए इस्तेमाल किया गया कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। बैठने का मतलब है इब्रानी भाषा में यशब। यशब का मतलब है सेटल होना। यशब का मतलब है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ पे सेटल हो जाना, अपने आप को ठहरा लेना, अपने आप को वहां सेटल कर लेना। एक होता है कि आपके मन में डाउट है कि पता नहीं परमेश्वर ने मेरा काम करना है कि नहीं करना, क्या मैं पवित्रताई में जीऊं या ना जीऊं, क्या मुझे और भी जगह जाना चाहिए, क्या मुझे और भी विकल्प खोजने चाहिए कि नहीं खोजने चाहिए। यह वचन उन लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर ने कहा सिट डाउ एट माई राइट हैंड। सिट का मतलब है कि मेरे दाहिने यशब, उसने कहा मेरे दाहिने हाथ यशब कर, यानी सेटल हो जा। दाहिने हाथ का मतलब क्या है? यशब का मतलब है कि टू रिमेन सेटल, अपने आप को सेटल कर लेना, अपने आप को बांध लेना, ऐसा बांध लेना कि फिर आपके पास, आपके दिल में और कोई भी विकल्प नहीं है। आप ये नहीं सोच रहे हो कि अगर परमेश्वर काम नहीं करेगा तो मेरे पास ये एक ऑप्शन है,
अगर परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा तो मैं यहां चला जाऊंगा। ये उन लोगों के लिए वचन नहीं है। इसीलिए आप ये नोटिस करते हैं कि क्रिश्चियनिटी में हर एक व्यक्ति जीत की गवाही के साथ खड़ा नहीं होता, हर एक पास्टर भी ऐसी गवाहियों के साथ खड़ा नहीं होता, क्योंकि ये एक चुनाव है। ये चुनाव है आपका कि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर उस तरह से खड़े रहेंगे जिस तरह प्रभु यीशु मसीह खड़े रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को कहा गया था कि मैं तुम्हें भेजता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस तरह पिता मुझे भेजता है मैं तुम्हें भेजता हूं। यानी जो कोई वचन परमेश्वर यीशु मसीह के लिए लिखा गया है वो वचन आपके लिए भी लागू होता है, क्योंकि वचन कहता है कि जिस तरह पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा उसी तरह से आपको परमेश्वर जीसस क्राइस्ट ने यीशु ने भेजा हुआ है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जो वचन परमेश्वर यीशु मसीह के लिए लिखा गया है वो वचन आपके ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि वचन कहता है कि हम जब जीसस क्राइस्ट के लहू के ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो हम उसके संगी वारिस हैं। संगी वारिस होने का मतलब होता है कि एक प्रॉपर्टी है उसके दो वारिस हैं, 50-50%। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब तुम मुझ पे यकीन कर लोगे तो तुम परमेश्वर की चीजों के साथ यीशु मसीह के संगी वारिस होगे, यानी यीशु मसीह और तुम्हारा हिस्सा सेम होगा। और जो वचन परमेश्वर के लिए लिखा गया है वो वचन तुम लोगों के लिए और मेरे लिए भी लिखा गया है। तो अब जहां पर लिखा गया है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, यानी दाहिने हाथ बैठने का मतलब क्या है कि परमेश्वर आपको डायरेक्शंस बता रहा है कि मेरे खब्बे बैजा मेरे सज्जे बैजा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ, परमेश्वर के बाहिने हाथ बैठ, इसका बहुत बड़ा मतलब है। जब आप वचन में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने दाहिने और बाहिने का मतलब समझाया है। परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा अंत के दिनों में मैं भेड़ों और बकरियों को अलग अलग कर दूंगा, मैं अपने बाई तरफ के लोगों को, यानी मैं बकरियों को, बाई तरफ के लोग वो हैं, कहते ना पुठे हाथ केड़ा पुठा हाथ, पुठा हाथ केड़ा है भैणा तो ज्यादा पता होना जो लड़दियों की तुरे पुठे हाथ चपेड़ मारो तो पुठा हाथ केड़ा है खब्बा, हां इन पुठा क्यों कहें? परमेश्वर ने कहा जो पुठे लोग होंगे, जो गलत लोग होंगे, जो शिक्षाओं पर नहीं चले, वचन को मानकर भी व्यभिचार किया, वचन को मान के भी चोरी की है, वचन को मान के भी वो परमेश्वर के वचनों के ऊपर जिन्होंने मन नहीं लगाया, मैं उन बकरियों से जो लेफ्ट हैंड साइड होंगी बोलूंगा कि जाओ और उस नरक के लिए जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया, और अपनी भेड़ों को जो दाहिने हाथ बैठी होंगी मैं उन दाहिने हाथ वाले लोगों से कहूंगा जाओ उस स्वर्ग के लिए जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। बाहिने दाहिने का मतलब यह नहीं कि आप चर्च में अगर बाहिने हाथ बैठे आप गलत हैं, नहीं ये मतलब नहीं है। जब परमेश्वर बाहिने और दाहिने की बात करता है तो परमेश्वर यह बात कर रहा है कि दाहिने हाथ बैठने का मतलब है कि आप परमेश्वर के राइट हैंड में हैं, यानी जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है आप उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं, चाहे आप उसमें आपको दुखी होना पड़े, चाहे आपको नुकसान सहना पड़े, चाहे आपको सताव सहना पड़े, चाहे आपको कोई भी चीज सहनी पड़े, चाहे आपको परिवार छोड़ना पड़े, चाहे आपको किसी भी तरह का कोई भी सताव सहना पड़े, लेकिन आप परमेश्वर के दाहिने हाथ को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। उसने कहा मेरे दाहिने हाथ, यानी जो मैं तुझसे कह रहा हूं उस राइट जगह के ऊपर तू बैठ जा, यशब कर। यशब का मतलब है टू टैरी, टू रिमेन, सेटल होना, यानी जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सही है वहां सेटल हो जाना, वहां पर खड़े हो जाना, वहां पर शादी कर लेना आप बोल सकते हो, वहां पे सेट हो जाना कि अब मैं, लोग बोलते नहीं जी मैं तो अब कनाडा सेट हो गया, मैं तो इंडिया के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं, मैं तो फॉरेन चला गया, मैं तो यहां आता हूं मेरे को मिट्टी फील होती, लोग ऐसा बोलते हैं, मैं तो यहां की गर्मी अब फील नहीं कर सकता है, यहां की गर्मी मुझे सहन नहीं होती, लोग ऐसा बोलते हैं, मैं वहां सेटल हो गया हूं। तो परमेश्वर ने कहा मेरे दाहिने हाथ अगर तू सेटल हो जाए, क्यों सेटल हो जाए? जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। वो शत्रु आपकी बीमारी हो सकता है, वो शत्रु वो श्राप हो सकता है जो पीढ़ियों दर पीढ़ी आपका आपका पीछा करता है। आपकी नानी आपके नाना के साथ लड़ती रही, कभी डाइवोर्स हो गया, कभी डाइवोर्स होने तक बात हो गई, आपकी मम्मी की लाइफ में ये कर्स रहा, अब बेटी बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, पर उसकी लाइफ में सेम कर्स फॉलो कर रहा है, वो भी एक शत्रु है, बीमारी एक शत्रु है, डर एक शत्रु है। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे दाहिने हाथ सेटल हो जाएगा, सेटल होने का मतलब कि तू सोचेगा नहीं,
तेरे दिमाग में दो चित्ता नहीं तू होगा कि मैं बैठूं, मैं पवित्रताई में चलूं या मैं अपने हिसाब से। अगर ऐसा दिमाग तेरा नहीं है, तू सेटल हो चुका है कि मैं बपतिस्मा लूं कि ना लूं, अभी मैं देख लेता हूं, अभी देखता हूं कि परमेश्वर क्या करता है, अब मैं कुछ और सुन लेता हूं। परमेश्वर ने कहा ऐसे लोग नहीं जो सेटल हो चुके हैं, उन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया कि मैं परमेश्वर के दाहिने हाथ पे यशब यानी जो कुर्सी विश्वासी की परमेश्वर मुझे सौंपेगा, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर ने कहा अगर तेरा विचार ऐसा बन चुका है तो तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तुम्हारी बीमारी तुम्हारे पांव के नीचे होगी, तुम्हारा डर तुम्हारे पांव के, और वो उसका सही प्लेस है, और वही उसका सही प्लेस है। मैंने कहा जब तक राजा यहोवा के अधीन रहते थे उनके शत्रु उनके पांव के नीचे रहते थे। जब वो यहोवा से मुख फेर लेते थे और व्यभिचार में और अपने अलग अलग देवताओं की उपासना में चले जाते थे तो वचन कहता है कि शत्रुओं का जो सिर पैर था वो उनके सिरों के ऊपर आता था, जबकि शत्रुओं का किसके सिर के ऊपर उनका पैर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वचन पूरा होता है। जब आप भजन संहिता 106 और उसकी 41 आयत में पढ़ते हैं, तब लिखा, तब उसने उनको अन्य जातियों के वश में कर दिया और उनके बैरियों ने उन पर प्रभुता की, उनके शत्रुओं ने उन पर अंधेर किया और वे उनके हाथ तले दब गए। ये तब की बात है जब इज़राइली परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने उन्हें अन्य जातियों के वश में कर दिया, जबकि वचन ये कहता है परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें सब जातियों में से श्रेष्ठ बनाऊंगा। आप जानते हैं परमेश्वर बदला नहीं, वो कहता मैं युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं। क्यों परमेश्वर कहता कि मैं तुम तुच्छ को, मैंने तुम निकम्मे को, मैंने तुम्हें निर्बल को क्यों चुन लिया? ताकि तुम्हें एक एग्जाम्पल बना सकूं और जो अपने आप को मजबूत समझते हैं तुम्हें इतना मजबूत कर सकूं कि वो भी लज्जित हो जाएं कि परमेश्वर ने कमजोर को चुन के हमारे सिर के ऊपर बिठा दिया है। आज भी उसकी यही योजना है, कुरंथिया में यही कहता है वो, कहता क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को चुन लिया? लेकिन तुच्छ एक निर्बल एक कमजोर करे क्या? वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे ताकि परमेश्वर उसको मजबूत कर सके, क्योंकि जो बाहिने हाथ बैठे हैं परमेश्वर उनको मजबूत नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनके शत्रुओं को उनके चरणों की चौकी नहीं करेगा। वो दाहिने हाथ कहता मेरे बैठ, राइट स्टैंडिंग कर, मेरे साथ सही चल, तो मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी कर दूंगा। आज गरीबी क्यों आपके चरणों के नीचे नहीं है? आज क्यों आप चाहते हुए भी गरीबी से बाहर नहीं आ पाते? क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ राइट स्टैंडिंग में नहीं है। आज लोग टाइथ पे नहीं करते, आज लोग प्रार्थना में नहीं है, आज लोग परमेश्वर के वचन से दूर हैं। बड़ी मीटिंग में चर्च चले जाएंगे, उसके बाद ऑनलाइन अटेंड करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको राइट स्टैंडिंग में, राइट दाहिने हाथ बैठना है, जब तक कहता मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी ना कर दूं। जबकि वचन कहता है कि मैं तुम्हें अन्य जातियों में से श्रेष्ठ करूंगा, सब जातियों में मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, मैं तुम्हें पूंछ नहीं ठहराऊंगा, तो वचन यहां पे कहता है कि उन्हें अन्य जातियों के परमेश्वर ने उन्हें वश में कर दिया, उनके बैरियों ने उन पर प्रभुता की, शत्रुओं ने अंधेर किया, वे उसके हाथ के नीचे दब गए। आज कितने क्रिश्चियन जो बीमारी के हाथ के नीचे दबे हुए हैं, गरीबी के श्राप के नीचे दबे हुए हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है ना बल से ना शक्ति से बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा आपको सिर्फ तौबा करने की जरूरत है। परमेश्वर आज से मैं राइट स्टैंडिंग में तेरे दाहिने हाथ यशब करता हूं, बैठता हूं, सेटल करता हूं। मार रख, जिला ले, मार दे, दुखी कर दे, कुछ भी कर दे, आज से तू मेरा परमेश्वर है। चंगा कर ना कर, आजाद कर ना कर, आज से तेरे अलावा मेरा और कोई परमेश्वर नहीं। देखो क्या होता है, देखो 3 साल में क्या होता है, देखो 7 साल में क्या होता है, देखो 15 साल में कैसे सिचुएशंस आपकी पूरी फैमिली की जनरेशन की वो चेंज करके रख देता है। पहले हफ्ते में वो आपको चिन्ह दिखाना शुरू कर देता है, आपको बनाना फिर शुरू करता है। साल दर साल आप ऊपर की ओर जाते हैं, शत्रुओं को पांव की वो चौकी करता है, जैसे मैं आपके शत्रुओं को आपके पांव की चौकी बनता हुआ देख रहा हूं। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानों के बीच में। हालेलुया। उसका वचन बहुत गहरा है। उसने कहा यशब एट माई राइट हैंड, मेरे दाहिने हाथ तू बैठ जा। हालेलुया। दाहिने का मतलब है इब्रानी भाषा के 3225वां शब्द यामीन,
कि दाहिने हाथ बैठ, जो मैं कह रहा हूं वो कर। आगे लिखा है, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा संयोन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। उसने ये नहीं कहा तू अपने शत्रुओं के बीच में सरवाइव कर, अपने शत्रुओं के बीच में तेरी जिंदगी कट जाएगी। उसने कहा तू शासन करेगा, रूल करेगा। उसने कहा तू, तेरे पराक्रम का राजदंड, द लॉर्ड शैल सेंड द रॉड ऑफ thy स्ट्रेंथ आउट ऑफ Zion। उसने कहा तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा संयोन से बढ़ाएगा। हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में परफेक्शन नहीं होती, इसलिए मैं इब्रानी भाषा आपके साथ लेकर बैठता हूं, और इंग्लिश लेके बैठता हूं, पंजाबी लेके बैठता हूं, ताकि हम सारी भाषाओं को पढ़ के उसका निचोड़ निकाल सकें। द लॉर्ड शैल सेंड द रॉड ऑफ द स्ट्रेंथ, उसने कहा वो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ वाली रॉड है ना, स्टाफ, लाठी, तुम्हारी ताकत की लाठी। मूसा के पास वो लाठी थी, ठीक है नहीं थी? स्ट्रेंथ का मतलब मैजेस्टी भी होता है इब्रानी भाषा में, कि वो ग्लोरियस लाठी, वो ग्लोरियस अधिकार, परमेश्वर ने कहा जो मूसा के हाथ में था, वो लाठी परमेश्वर ने कहा समुद्र के सामने कर, वो दो भाग हो जाएगा। परमेश्वर कहता वो अधिकार भी तुझे देगा, शैतान के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर। तुम प्रार्थना करोगे लोगों के दिमाग चेंज हो जाएं, अधिकारों के साथ। तुम प्रार्थना करोगे वो रास्ते खोल देगा, तुम प्रार्थना करोगे तुम्हारी फाइल 10% होगी, रिजल्ट 100% होगा। पर कहता वो कहां से आएगी, ये समझने वाली बात है, ये लोग भूल जाते हैं। परमेश्वर ने कहा तेरा जो राजदंड होगा वो संयोग से आएगा। द लॉर्ड शैल सेंड द रॉड ऑफ thy स्ट्रेंथ आउट ऑफ Zion, कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ की रॉड है, तुम्हारी मेजेस्टिक जो लाठी है, जो अधिकार है, जो पावर है, वो परमेश्वर कहता मैं संयोग से भेजूंगा। क्या है संयोग? संयोन एक जगह का नाम है जो यरूशलम में है। तो क्या परमेश्वर उस यरूशलम के पहाड़ की बात कर रहा है? नहीं, बाइबल में हर एक चीज का एक आत्मिक मतलब है। उस फोटो को देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर Zion का मतलब मैंने एक निकाल के आपके लिए रखा है। देखा, द नेम Zion इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब ए प्लेस अपॉइंटेड बाय द लॉर्ड वेयर हिज फॉलोअर्स कैन लिव एंड सर्व गॉड। शारीरिक रीति में कहता है कि जो संयोन जगह है वो तो यरूशलम में है, शारीरिक रूप में एक पहाड़ के ऊपर है, लेकिन परमेश्वर यहां पर आपको कह रहा है कि मैं तेरा जो रॉड है, तेरी अधिकारों की जो लाठी है, मैं तुम्हें संयोन से भेजूंगा। तो वो उस पहाड़ की बात नहीं कर रहा है, वो एक आत्मिक क्षेत्र की बात कर रहा है, जो ये एक वचन कहता है कि संयोन एक ऐसा प्लेस है जो परमेश्वर ने ठहराया है, जहां पर उसके फॉलोअर्स रहते हैं और सर्व गॉड, वो उसकी सेवा करते हैं। कि संयोन को परमेश्वर ने पवित्रताई का नगर और शरण नगर भी बोला है। तो संयोन का मतलब यह है एक ऐसा स्थान जहां पर एक विश्वासी रहता है, एक ऐसा स्थान जहां पर वो परमेश्वर की सेवा करता है। यह एक आत्मिक क्षेत्र है, एक आत्मिक संयोन की परमेश्वर बात कर रहा है। जब आप फैसला करते हैं कि आज से मैं परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठूंगा, या तो आप बाहिने हाथ बैठेंगे या दाहिने बैठेंगे, बीच में नहीं बैठ सकते, बीच में परमेश्वर है। या तो आप शैतान की ओर हैं या तो आप परमेश्वर की ओर हैं, या तो गलत है या सही है, न्यूट्रल नहीं हो सकते तुम। या तो तुम शैतान की सेवा कर रहे हो तो या परमेश्वर की कर रहे हो, या तो शैतान की बात मान रहे हो या परमेश्वर की मान रहे हो, तुम बीच में नहीं हो, बीच में परमेश्वर है, या तो इधर हो या इधर हो। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा अगर तुम दाहिने हाथ बैठे हो, अगर तुम राइट स्टैंडिंग में हो, तुम वही कर रहे हो जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, और तुम दाहिने हाथ में सेटल हो चुके हो, यानी कि तुम टेम्परेरी वहां पे आए और देख रहे हो, मन तुम्हारा अभी भी विचलित है, मैं प्रेयर करूं कि ना करूं, मैं पवित्रताई में चलूं कि ना चलूं, मैं यहोवा के वचन पे चलूं ना चलूं, मेरा MLA क्या कहेगा, मेरा सरपंच क्या कहेगा, मेरी भुआ क्या कहेगी। अगर आप सेटल नहीं हुए उस जगह के ऊपर, तो ये वचन फिर आपके लिए नहीं है।
परमेश्वर ने कहा जो दाहिने हाथ सेटल हो चुके, मन बना लिया कि जीऊं मरूं खाऊं पीऊं कैसे भी खुदा रखे, मैं यहीं अब सेटल हो चुका हूं, मैं उसके वचन को पूरा करना नहीं छोड़ूंगा, कोई मेरी तलवार भी रख देगा तो मैं फिर परमेश्वर का ही हूं। अगर तुम इस तरह के बन चुके हो तो परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारे शत्रुओं को क्या करेगा, तुम्हारे पांव की चौकी कर देगा। और सेकंड कहा फिर जब तुम राइट जगह पे आ जाओगे, अपने आप को सेटल कर लोगे, फिर क्या होगा? फिर कहता कि जब तुम एक जगह सेटल, आत्मा में सेटल हो जाते हो, जैसे मैं आत्मा में अगर सेटल हो गया, मैंने अपना मन बना लिया कि मैं पवित्रताई में, मैं प्रार्थना में चलूंगा, मैं फास्टिंग करूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं। 2007-06 में बहुत विरोध होता था रिश्तेदारों के द्वारा, हर बंदा विरोध करता था, तो क्या फैसला किया कि नहीं मैं खुदा के साथ राइट स्टैंडिंग छोड़ूंगा नहीं, मैं खुदा के साथ ही रहना छोड़ूंगा नहीं, मैं उसी के साथ साथ रहूंगा, मैं परमेश्वर के साथ ही खड़ा रहूंगा। आप नहीं जानते एक विश्वासी को बड़ी अजीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। 2007 में जब ये मैंने सेवा स्टार्ट करनी थी तो बहुत से पास्टर्स मेरे खिलाफ थे, उन्होंने एक कमेटी बिठाई कि इसको बुलाओ और इसको एम्बैरेस करने के लिए। जब मुझे बुलाया गया वहां पे तो उन्होंने कहा आओ जी आपसे बात करनी है, तो मुझे इस तरह से लिया जाता जैसे मैं कोई गुनाहगार होता हूं। तो मैं मन में सोचता कि जब मैं गुनाहगार था, जब मैं ईसाइयों का विरोध करता था, शराब पीता था, पाप करता था, तब तो मैं लोगों के लिए अच्छा था। अब जब मैं पाप छोड़ के बपतिस्मा ले लिया, नशे छोड़ दिए और मैं सेवा कर रहा हूं बिना किसी लालच के कर रहा हूं, कोई गलत काम नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, 6-6, 8-8 घंटे मेरी प्रार्थना होती थी, तो ये क्या नॉनसेंस है कि आज जी तुमसे बात करनी। तो मैं बड़ा कई बार खिंचता भी था स्पिरिट में, लेकिन वचन पूरा होता है। तो मुझे बुलाया गया वहां पे, सब लोग इकट्ठे थे, जो दोष लगाने वाला था या लगाने वाली थी वो भी वहां पे थी। तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप अपनी अपनी बात दोनों बताओ क्या चीज है। तो मैं अपनी टीम 2-4 लोगों को लेके गया था, मैंने कहा तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, और सारी रात में प्रार्थना करके गया। आप इमेजिन करो परमेश्वर का वचन कैसे पूरा हुआ। जब उस बंदे को बोला गया या औरत जो भी वो था, वो बोला गया कि चल खड़ा होके अपने दोष बता क्या तू चाहता है, आप इमेजिन करना वो इतना चालाक इंसान है। मैंने इस धरती के ऊपर बहुत कम लोग इतने शारीरिक रूप से चालाक देखे। मैं बोलता कि मैं तेरी चालाकी को मैच नहीं कर सकता, लेकिन कई बार वो बुद्धि शैतानी होती है, और जो आपके अंदर बुद्धि होती है वो नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होती बल्कि परमेश्वरीय होती है, लेकिन जो परमेश्वर बुद्धि होती वो हमेशा जीतती है। जब वो बंदा शख्स खड़ा हुआ और उसने जब बोलना शुरू किया वो ब्लैंक हो गया, जैसे किसी के दिमाग से कोई जैसे पेज नहीं हटा लेता, वो पेज ही हट गया उसका, उसको मालूम भी नहीं कि बोलना क्या है। वो भी हक्का बक्का या हक्का बक्की खड़ा है या खड़ी, वो देख रहा है कि मैं क्या बोलूं, भूल गया सारा कुछ, अरे क्या हुआ ये। और जब उन्होंने कहा ठीक है अंकुर को खड़ा करो, और जब मैं खड़ा हुआ, मैं 10 मिनट बोला, मैंने कुछ तैयार नहीं किया था, जो सच्चाई थी 10 मिनट वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस थी, और जिंदगी में मुझे दोबारा कभी नहीं बुलाया फिर उन्होंने। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी कर दूंगा। ये तब होगा अगर आप राइट स्टैंडिंग में हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ से आपकी जिंदगी में कमियां हैं, पाप हैं, और दूसरी तरफ से आप कहें परमेश्वर मेरे शत्रुओं को मेरे पांव की चौकी करे। परमेश्वर ने कहा तेरी जो स्ट्रेंथ है ना, तेरी जो रॉड है, स्ट्रेंथ जो है वो सिय्योन से, यानी उस जगह से निकलेगी जब तू सेटल हो चुका होगा और सर्व कर रहा होगा, सेवा कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? फिर से पढ़ेंगे उसको, ज़ायन वाले वर्ड को। उसे कहा ज़ायन एक ऐसा प्लेस है जहां उसके फॉलोअर्स रह सकते हैं, कैन लिव एंड सर्व गॉड, कि वो खुदा की सेवा कर सकते हैं और वहां रहते हैं। यानी खुदा के दाहिने हाथ में आना, सेटल होना, उसके बाद वहीं रहना और फिर परमेश्वर की सेवा करना। क्योंकि अगर आप कहें कि मैं परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हूं, मेरे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा बड़ा पाप नहीं है, वो छोटी मोटी गलतियों की परमेश्वर परवाह नहीं करता, आप परफेक्ट होते जाते दिन प्रतिदिन, कोई ऐसा बड़ा पाप आपकी लाइफ में नहीं है, तो आपकी लाइफ में ये निशानी ये होगी कि आप प्रभु की सेवा में चले गए होंगे।
कोई सुसमाचार कर रहा होगा, कोई पैसों से सपोर्ट कर रहा होगा, कोई अपने पास्टर्स अपनी सेविकाइयों के लिए प्रार्थना कर रहा होगा, कोई सुसमाचार का काम कर रहा होगा, कोई क्रूसेड करवाने के बारे में सोच रहा होगा। आप इनडायरेक्टली सेवा करना शुरू कर देंगे, आप रोज प्रचार करना शुरू करेंगे, अपने साथियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को परमेश्वर के बारे में बताएंगे। तो परमेश्वर ने कहा जब तू राइट जगह पे आ जाएगा, अपने आप को सेटल कर लेगा, उसके बाद जब तू सेवा करना शुरू कर देगा तो उस प्लेस से, जायोन से जहां तू सेवा करेगा, मैं एक रॉड निकालूंगा जो तेरी ताकत की होगी। उसके बाद कहता तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन करेगा। ये रोड मैप है, मैंने कहा शैतान तुम्हारी लाइफ में उसको कुछ भी ना करना पड़े, चाहे आपकी लाइफ में उसको अलग अलग तरह की खूबसूरत डिस्ट्रैक्शंस भेजनी पड़े, उसको आपकी लाइफ में आपको लालच देना पड़े, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है ताकि आप राइट जगह पे ना हो और उसके बाद आप सर्व ना करें। क्योंकि अगर आप राइट प्लेस पे नहीं हैं, आप राइट हैंड में नहीं हैं, आप सर्व नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर आपको नहीं जानता, आपने आपके हिसाब से आप गा रहे हैं, आपने कैमरा पकड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से वो नहीं जानता आपने क्या किया है। वो उन्हीं को जानता है जो राइट हैंड पे हैं और वहां पे सेटल हो गए हैं, टेरी कर चुके हैं, बंध चुके हैं, शादी कर चुके हैं, उसके साथ जीने मरने का वादा करके खड़ चुके हैं। और जब वो वहां से सेवा करते हैं, परमेश्वर ने कहा उस सेवा वाले स्थान से, आत्मिक स्थान से, मैं तुम्हें एक रॉड दूंगा तुम्हारी ताकत की, स्टाफ दूंगा तुम्हें, एक लाठी दूंगा, उसके बाद तुम अपने शत्रुओं के बीच में सर्वाइव नहीं करोगे, शासन करोगे। तुम्हारा टाइम आ चुका रूल करने का, इन जीसस नेम। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हां, आप समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कहा कि तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना बना दूं, कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा संयोन से बढ़ाएगा और तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। The Lord shall send the rod of thy strength out of Zion, कि वो जायोन से, संयोन से उस रॉड को भेजेगा जिससे तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर सकेगा। हमारा शत्रु कोई पार्टी नहीं है, RSS, BJP, कांग्रेस, ये हमारे शत्रु नहीं है, ये विरोध भी करे तब भी शत्रु नहीं, शैतान हमारा शत्रु है। बीमारियां, वो चीजें जो आपको प्रभु में जाने से रोकती हैं, हर वो व्यक्ति भी हो सकता है जो आपको उस डेस्टिनी को पूरा करने से रोकता है जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, परमेश्वर ने कहा तू शासन करेगा, सर्वाइव नहीं करेगा, तू रूल करेगा इन जीसस नेम। और ऐसी लाइफ देने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप ऑटोमेटिकली चरणों की चौकी के इस वायदे से और राजदंड से और शत्रुओं के बीच में शासन करने से परे हो जाते हैं जब आप दाहिने हाथ को छोड़कर बाहिने हाथ में चले जाते हैं। आपके गले में फिर मोटा सा क्रॉस आपको बचा नहीं सकता, आपका आमीन हालेलुया बोला आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि आपने उसके वचन को ब्रेक कर दिया है और तोड़ दिया है। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने वचन नाम से भी अधिक बड़ा महत्व मैं अपने वचन को देता हूं, अगर तुमने मेरे वचन को तोड़ दिया तुमने मुझको तोड़ दिया। इसलिए जीसस क्राइस्ट के जितना खुश यहोवा को कोई नहीं कर सका, क्योंकि वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट ने वचनों से कभी भी गद्दारी नहीं की, वो वचनों को कंप्लीट करते रहे, पूरा करते रहे। अब आपने देखना है कि मैं वचन पे चलना चाहता हूं कि नहीं। बाइबल स्टडी करें रोज, वचन को सुने, वचन को पढ़ें, उसकी प्रेजेंस में बने रहें, क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगी पापों से बाहर आने के लिए। गलती करने के बाद खुदा की प्रेजेंस छोड़ देने से आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे। अगर आप कमजोरी में भी हैं, आत्मिक किसी तरह की दुविधा में भी हैं, उसकी प्रेजेंस में बने रहें, पवित्र आत्मा आपको छुड़ा लेगा, उसका वचन एक दिन आपको छू जाएगा। और आप फैसला जब कर लेंगे, ठीक है आज से मैं राइट हैंड पे ही खड़ा रहूंगा, फिर कहता शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी तू नहीं करेगा, कौन करेगा? तेरा बाप करेगा, मैं करूंगा, उसने कहा। हालेलुया। कहता फिर मैं करूंगा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। एक बार ऊंचा हालेलुया बोलो जरा, आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो, आमीन।
अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो दाहिने हाथ बैठ, बोलो सही सही हो जा। अगर शत्रुओं के ऊपर फतह पाना चाहता है तो, अगर उन्हें चरणों की चौकी बनता देखना चाहता है तो, अगर उनके बीच में शासन करना चाहता है तो, हालेलुया हालेलुया। आप तैयार हैं? यह सुनाई नहीं होगा, तैयार हैं आप उसके वचन पे खड़े होने के लिए? मैं आपको परमेश्वर का हृदय बता सकता हूं, जैसे कोई बच्चा हो और अपने बाप को बोले कि मुझे एक गेम चाहिए या मुझे ये खिलौना चाहिए। सुबह उसका बाप घर से निकल पड़ा और शाम को एक फोन आता है उस बच्चे को कि मैंने तेरा खिलौना ले लिया है। आप जानते, बच्चा एक्साइटेड होता है कि बाप जब घर में आएंगे, पिताजी तो मुझे खिलौना देंगे। आपको पता है कि अगर बच्चा एक्साइटेड है तो बाप भी एक्साइटेड होता है उस बच्चे की खुशी को देखने के लिए। उसी तरह से परमेश्वर, आप नहीं जान सकते वो कितना एक्साइटेड रहता है कि काश आप उसके वचन पे खड़े हो जाएं और वो आपको उठा के एक एग्जाम्पल बना सके। इसलिए शैतान यूथ लोगों को धोखा देते हैं, उनको पाप में रखते हैं ताकि वो कभी एग्जाम्पल ना बन सके, हमेशा संघर्ष करें। और जब तक वो एक फैसला नहीं ले लेते, मैं लास्ट लाइन बोल के खत्म करूंगा, मैंने कम बुद्धिमान लोगों को देखा है। क्या बोला मैंने? शारीरिक रूप से बहुत कम बुद्धिमान लोग, मैं उन्हें जानता हूं पर्सनली। जब मैं उनके साथ बैठता हूं तो तौबा तौबा ही है, मतलब बहुत बुद्धि ठीक, बहुत ठीक ठाक है मतलब, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में ग्रेट हाइट्स अचीव कर ली है पवित्रता के कारण, सिर्फ पवित्रता के कारण। पवित्रता के कारण परमेश्वर की बुद्धि उनमें काम करती रही और उनको बचाती रही, और गरीबी के श्राप को तोड़कर वो आगे निकल गए। यह आपका फैसला होगा, वो थोपता नहीं है। ये दो लाइनें जिसको समझ आ जाएंगी, भजन संहिता 110 उसकी एक और दो आयत, ये एक रोड मैप है हमेशा विक्टोरियस लाइफ जीने का। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथों को उठाओ।